हेलो जी जी भेज दें, थैंक यू। यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम बशर फारूक, ये है हमारा बिजनेस प्रपोजल आपकी कंपनी के लिए। परफेक्ट। वाओ दैट्स गुड, इंप्रेसिव, नाइस अप्रोच। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? वेल लग तो मुझे भी यही रहा है। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम 2012 में असिस्टेंट डायरेक्टर के इंटरव्यू के लिए मिल चुके हैं शायद। ओह माय गॉड, दुनिया कितनी छोटी है, आप तो वही हैं। यार हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं चाय खाने का, इसको पूछ रहे हैं। ये कैसा भी है, अजीब है यार। चलो यार, पता नहीं यार। चलो कोई नहीं यार। जी आइए, थैंक यू जी। अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम अली है, माई क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस विद माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल सर्टिफिकेशन। ऐसी क्या बात है जो आपको इस नौकरी का अहल बनाती है? सर मेरी क्वालिफिकेशन, तजर्बा और सलाहियत मुझे इसका अहल और हकदार बनाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड हम आपको इतला कर देंगे। जी अपना तारुफ करवाइए। मैं एमएन शहीन खान का बाजा हूँ और मुझे किसी तारा की ज़रूरत नहीं, बाकी डिटेल मेरे सीवी में चेक कर लीजिएगा। जी सर प्लीज इसको रीड आउट करके इधर सिग्नेचर भेज दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, एक मिनट रुकिएगा प्लीज सर, ये आपके भांजे की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामजिन क्या हाल चाल है? जी यहाँ इंटरव्यू देने आया था, आपको बताया भी था मैंने। हाँ जी बेटा, आपने टेंशन नहीं लेनी, जॉब आप ही की है। हाँ जी आप घर जाओ बस। हाँ भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल है, पहचाना मुझे? जी सर आप हमारे मोहसिन हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं। हाँ भाई मेरा भांजा आया था मुबशर आपके तरफ इंटरव्यू देने के लिए। जी हुक्म कीजिए। बस जॉब उसकी होनी चाहिए। सर आपका हुक्म भी कभी डाला है, आप उसे कल ऑफिस भेज दें, उसकी नौकरी पक्की है। मिर्जा पक्की हुई जा पक्की हुई वो कैसे? एमएनए का भांजा हूँ, मेरी जॉब नहीं रही और किसी होनी। देखिए खुदा की कुदरत,
आज आप मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हैं। आपको तो वो जॉब मिल गई थी ना, पर मैं तो वो जॉब ना मिलने पर बड़ा मायूस हो गया था। बहुत दर्द की खाक छानी, पर कुछ हासिल ना हुआ। मैंने एक दिन मैं पुरानी किताबें बेचने के लिए रिद्धिवाले के पास गया, उसमें से मुझे किताब मिली जिसमें पुराने अजीम लोगों की शख्सियत का जिक्र था। इस शख्सियत ने मुझे मुतासर किया, वो तो हमारे बानी काज आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आजम ने अपने खून जिगर और खून तमन्ना से नामुमकिन को मुमकिन बनाने और शब गुलामी को सहारे आज़ादी में बदलने की दिन रात कोशिश की, जिसके नतीजे में एक इस्लामी मुमलिकत वजूद में आई जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आइए इस यौम कायद पे अपने कायद से अहद करें कि ना रिश्वत लेंगे और ना ही सिफारिश से काम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदा। अब से मैं भी अहद करता हूँ, ना सिफारिश करूँगा ना करवाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। इस्लाम का झंडा।